हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं थ्रिप्स को कैसे रोकें। न केवल प्याज और लहसुन की फसल पर बल्कि जो मिर्च की फसल होती है या फिर जिन फसलों पर दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप होता है या फिर थ्रिप्स का अटैक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। किसान भाइयों, कन्फ्यूजन है कि कौन सी दवाओं का हमको स्प्रे करना चाहिए। वीडियो पर दोस्तों आपको 100% सॉल्यूशन बतलाने वाले हैं कि आप थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, थ्रिप्स एक ऐसा सकिंग पेस्ट रस चूसा कीट है जो प्याज की फसल पर, मिर्च की फसल पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रस चूसा का कीट है। हमारी दोस्तों जो फसल है 60% से लेकर 80% तक एकदम बर्बाद और तबाह कर सकती है। मिर्च और प्याज की फसल पर दोस्तों काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है थ्रिप्स को कंट्रोल करते समय। तो आपको दोस्तों बतलाते हैं कि प्रिवेंटिव रूप पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रिवेंटिव रूप पर आपको कौन से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, इसके अलावा प्रकोप थोड़ा सा हैवी हो चुका है तो कौन सी कीटनाशक का आपको स्प्रे करना चाहिए, दोस्तों आइए समझते हैं। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम है, यानी थ्रिप्स का प्रकोप हमारी प्याज की फसल पर, मिर्च की फसल पर, लहसुन की फसल पर या फिर कोई अन्य ऐसी फसल है जिस पर थ्रिप्स का प्रकोप है बिल्कुल कम है या फिर प्रकोप ना हो, तो दोस्तों इसके लिए आप प्रिवेंटिव रूप पर इन कीटनाशक में से कोई भी एक कीटनाशक को बदल बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों वायर कंपनी की रिजेंट एससी आती 25 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की मेटाडोर आती दोस्तों इंसेक्टीसाइड 25 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जंप वायर कंपनी की आती है दोस्तों आप 3 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अलीका 10 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि प्रकोप यदि हल्का फुल्का है, कम है, नहीं है, तो प्रिवेंटिव रूप पर आप इन कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो चुका है, कंट्रोल के बाहर का काम हो चुका है, तो कौन से कीटनाशक, कौन से कॉम्बिनेशन अच्छा काम करने वाले हैं, तो वीडियो पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बतलाते हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में जो कि 100% ऑर्गेनिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइजिंग लीफ पैलेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। यह राइजिंग लीफ इंडिया कंपनी का यह प्रोडक्ट आता है और इसमें 14 से 15 पोषक तत्व दोस्तों ऐसे हैं जो कि हमारी फसलों पर जरूरत पड़ती है। मुख्य पोषक तत्व है, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति यह खाद करती है दोस्तों। एकदम ऑर्गेनिक है और आप सभी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं, खड़ी फसलों पर भी दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। 100 किलोग्राम आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। अब आप चाहें तो जैसे उर्वरक खाद की जगह ऑर्गेनिक रूप में इन खादों को भी फॉलो कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। अब कीमत जानने के लिए दोस्तों और खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। वीडियो पर दोस्तों आपको बतलाते हैं यदि थ्रिप्स का प्रकोप हैवी हो चुका है तो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं हैवी अटैक के लिए। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जंप 3 ग्राम लेना है और प्रोफेक्स सुपर 30 ml लेना, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है दोनों कीटनाशक को। इसके अलावा सेकंड जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट आपको लेना है 20 ml और कराटे इंसेक्टिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। ये था दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जंप 3 ग्राम लेना है और डेलीगेट डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट जिसमें स्पाइनोटोरम 11.7% है 20 ml लेना, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। सबसे पावरफुल और बेहतरीन जो कॉम्बिनेशन है, आप डाव एग्रोसांस की डेलीगेट को लेना है 20 ml और घरडा कंपनी की पुलिस को जिसमें इमीडा और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। अब जो दोस्तों हमने हैवी अटैक थ्रिप्स का था उसके लिए जो डेलीगेट और घरडा की पुलिस का जो कॉम्बिनेशन बतलाया बहुत ही बेहतरीन है, उसके बाद जंप और डेलीगेट का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी फसलों पर थ्रिप्स का प्रकोप है, थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही है, तो प्रिवेंटिव रूप पर आप जो हमने पहले कीटनाशक बतलाई हैं उनमें से कोई एक को आप स्प्रे करते रहे आवश्यकता अनुसार। लेकिन प्रकोप थोड़ा सा बढ़ चुका है, कंट्रोल के बाहर की बात है, तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल देने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप थ्रिप्स को यदि 100% कंट्रोल पाना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव रूप पर ही हल्के फुल्के कीटनाशक को यदि आप स्प्रे करते रहेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला। यदि बहुत ज़्यादा से
भी अधिक मात्रा पर यदि थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है तो फिर कंट्रोल के बाहर वाला काम है। तो इसीलिए दोनों पत्तों के बीच में जैसे प्याज की फसल होती है, कहीं आपको देखते रहना है, जांच पड़ताल करते रहना है, क्या थ्रिप्स का प्रकोप हमारी प्याज की फसल पर, मिर्च की फसल पर हुआ तो नहीं। यदि प्रकोप होता है दोस्तों तो इसके लिए आपको काम करना है कि प्रिवेंटिव रूप पर आपको कीटनाशक का स्प्रे करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आप वीडियो को लाइक फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।